होती है। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, या वो कैमरे के आगे आता है ना, नहीं आ रहा। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आई एम योर होस्ट एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं खानसपुर नथिया गली, तो आए आपको दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हमारे साथ हैं। ये जी हमारा सामान, इसमें हमारे पास सारी घर की चीज़ें हैं, मेडिसिन वगैरह और दूध वगैरह भी है, ठीक है। और कुछ कपड़े हैं और कुछ अम्ब्रेला, हमने अम्ब्रेला लिया, वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है जी। तो अभी हम देखेंगे इंजन ऑयल गाड़ी का, देखेंगे जो बहुत ज़रूरी है। पहाड़ी इलाकों में जाने से पहले इंजन ऑयल देखना बहुत ज़रूरी है, रेडिएटर का पानी, सबसे पहले रेडिएटर का पानी क्लोज करें थोड़ा सा, तो देखेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल पूरा पानी, बिल्कुल पानी पूरा है, अभी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है जी। क्योंकि पहाड़ी इलाकों में गाड़ी गर्म हो जाती है, अभी इंजन ऑयल देखेंगे। ये देखें जी, ये अगर आपको मैं दिखा सकूं, 1.1.2 और ये यहाँ तक होता है ये, और अभी इसमें बिल्कुल बिल्कुल पूरा ऑयल, ये देखें जी, ठीक है जी। तो इसकी लुब्रिकेशन भी देख लेते हैं कि अभी इसमें कितनी गुजान है। हाँ, इसमें ठीक है, अभी ऑयल ठीक है। ये देखिए, इसमें जब चिपचिपाहट हो ना तो समझे कि ऑयल में जान है, ठीक है। अभी ऑयल अभी एक चक्कर लगा सकती है, लेकिन वापसी भी भरी ऑयल चेंज हो, क्योंकि पहाड़ी इलाके में गाड़ी का जोर बहुत ज़्यादा लगता है, तो जिस वजह से गाड़ी का ऑयल जो है ना पतला हो जाता है। ठीक हो गया जी। तो ये चीज़ें लाजमी ध्यान में रखें आप लोग, जब भी पहाड़ी इलाके में जाएं, कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे जाएं, ये चीज़ें आपको करनी बहुत ज़रूरी होगी, ठीक है जी। बाकी चीज़ें सारी ठीक होती हैं, तो चलें जी, चलें जी, फिर साथ साथ चलें, फिर जर्नी को इंजॉय करते हैं। ये तो व्यूअर्स, हिल स्टेशन में जाने के लिए आपको ज़रूरी है कि टैंक आपका तकरीबन फुल होना चाहिए, लेकिन ये मैंने 1600 का डाला है पेट्रोल। ये 13.30 डाला है। ये सिर्फ ज़रूरी इसलिए है कि पहाड़ी इलाकों में गाड़ी अगर फ्यूल की वजह से बंद हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान वो होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखा। ये तो व्यूअर्स, अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि गाड़ी में मैंने फ्यूल डलवाया तकरीबन 1600 का, तो तकरीबन 14 लीटर डला है, तो मैं साथ सब्स्टिट्यूट गैस भी रखता हूँ, तो आप लोग भी गैस लाजमी थोड़ी बहुत डलवाया करें, क्योंकि उतराई में जो है वो गैस जो है ना बहुत ज़रूरी होती है, और उतराई में पेट्रोल नहीं ज़ाया करना चाहिए, इसलिए मैं गैस लगाऊँ, ठीक है। को पहुंच गए हैं, सुबह 6 बजे निकले थे, तकरीबन हमें 20 मिनट लगे, जैसे भी गैस वगैरह डलवाया मैंने, तो भी आगे में जिस तरह स्टॉप आएंगे मैं साथ आपको दिखाऊंगा। व्यूअर्स, आज की वीडियो का ख़ास मकसद मेरा जो मैं आपको दिखाऊंगा, मेन जो मेरा फोकस होगा आज वो होगा ड्राइविंग। मैं आज आपको ड्राइविंग के बारे में बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे बताऊंगा कि पहाड़ी इलाके में कैसे ड्राइविंग करते हैं प्रॉपर। पहले भी वीडियोज़ में मैंने बताया, लेकिन आज की वीडियो जो है वो एक तो हमारी जर्नी की वीडियो होगी, और दूसरा साथ ये है
करके हम लोग ड्राइविंग सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है ताकि इसमें आप भी का बेनिफिट है। मैं बहुत दफ़ा जा चुका हूँ तो इसलिए मेरे तकरीबन 21-22 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन ये एक बात बता दूँ कि अभी भी मुझे जब मैं उतरता हूँ नीचे स्ट्रेट, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। अभी आप इसी अंदाज़ा लगाना कि 22 साल का एक्सपीरियंस जिस बंदे का है वो बंदा भी डरता है। तो मेरे साथ रहें, सीखें कैसे करते हैं। इंसान सारी उम्र सीखता है, तो आप मेरे साथ रहें, मैं आपको बताऊंगा साथ साथ कि क्या करना है। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट ब्लॉक में मिलते हैं। ठीक है, बरोहा पहुंच चुके हैं जी। बरोहा, इसके बारे में एक स्पेशल चीज़ बताऊँ आपको, आज क्या याद करेंगे। अच्छा, ये गांव है बरोहा, इसका नाम है। इसके अंदर लेफ्ट हम जाएंगे ना तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे एक बड़ी अच्छी प्लेस है नहाने की, जैसे शादरा। शादरा तो खैर वो पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, मैं देख रहा हूँ पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो यहाँ बहुत अच्छा साफ पानी है, इवन कि उसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी होती हैं। तो आप लोगों को मशवरा है कि आप यहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाएं। मैं बहुत दफ़ा आया हूँ यहाँ पे और गर्मियों में इतना शदीद ठंडा पानी कि आप लोग यहाँ पे इंजॉय करेंगे। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में आज की जो मैंने आपको बताया था फोकस हमारी ड्राइविंग पे, अभी तो फिर जब चढ़ाइयाँ शुरू होंगी तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस में इस जगह पे बहुत मज़ा आता है और साथ साथ आपको डिफरेंट मैं गांव भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने विज़िट किया है, तो आप लोग साथ साथ वो भी देखें और यहाँ पर विज़िट करें। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट स्टॉप पर मुलाकात होती है। ये तो व्यूअर्स सालगिरह पहुंच गए हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, सालगिरह पहुंच गए हैं। अभी टाइम हो रहा है जी, टाइम क्या हो रहा है 7:05। तो ड्राइविंग के दौरान आप ये चीज़ जहन में रखें कि आपने ख़ुद वीडियो नहीं बनानी, किसी को कहें कि आपकी वीडियो बना रहे। ठीक है, अभी तो खैर गाड़ी रोकी, मैं इसलिए बना रहा हूँ। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे। जी व्यूअर्स, हम लोग पहुंच गए हैं आरुकस, और इंग्लिश में है आरुकस। ये देखें जी, बड़ी प्यारी वैली है ये। नीचे देखें, दिखाएं जरा थोड़ा सा नीचे, ये रास्ता नीचे जो है, ये गांव है, कोई बड़ा मजे का नीचे रोड जा रही है, बड़ी गहरी है ये। अभी काफी हम लोग चढ़ाई चढ़ ली हमने, आगे मरी से आगे थोड़ा, मरी से हम जैसे ही आगे जैसे नथिया गली के रोड पे चढ़ेंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह हम फिर ड्राइविंग की जो वो है क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चले मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप। ये तो दोस्तों करलोट पहुंच गए हैं, तो आगे इसके बाद आने लगा वो आएगा जी, छतर पार्क आएगा। बस अभी नॉर्मल, ये तो भी बस छारा पानी पहुंच गए हम लोग। ये जी चारा पानी का बोर्ड, चारा पानी पहुंच गए हैं। ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ शाड़ियाँ ठंडी होती हैं, ये चश्मे का पानी है, ये बहुत ठंडा, पीने के लिए बहुत मज़े का पानी होता है ये जी, चारा पानी है। ये देखिए छरा पानी।
ये तो व्यूअर्स अभी हम पहुँचे हैं खरापानी, तो गाड़ी बनवाने का मेरे पास टाइम नहीं था, तो अभी खरापानी आए तो मैं कह रहा हूँ कि चलो गाड़ी चलो आए तो बड़ी सस्ती गाड़ी तो है, तो ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये पिंडी में बस टाइम ही नहीं मिला, बस कामों में बिजी रहा हूँ, तो इशारा पानी आया हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो गाड़ी को वॉश करवा लेता हूँ। खैर सर्विस स्टेशन जैसी तो वॉश नहीं होगी, लेकिन यह है कि चलो कुछ गुजारा कर देंगे, साफ़ सुथरी हो जाए ज़रा। मुझे ट्रैवलिंग में ना गाड़ी साफ़ सुथरी हो तो बहुत मतलब मज़ा आता है, गाड़ी चलाने का अच्छा भी लगता है। तो उसको पकड़ो यार पीछे से, तो बच्चों का यार ख़ास तौर पर ख्याल रखें आप ना, जब भी आप आएँ यहाँ पे बच्चों का हाथ पकड़ के रखें, कि बच्चे जो है ना बहुत शरारती होते हैं। तो सारी सही शैम्पू टायरों में काले ज़रा कर देना सही। मैं वैसे पहली बारी तो मान रहे मरी तो अच्छा, ब्रेक शू तो ना मारना है, गर्म हो गई गए तो गर्म ब्रेक शू तो नहीं मारी था ना है। अच्छा चढ़ाई चढ़ के आए हैं, चढ़ाई दे तो कुछ नहीं होता ना। अच्छा अच्छा ठीक ठीक, यही गल यही गल है, आसरा भी रखना पैना ना। हाँ ये जी व्यूअर्स चश्मे का पानी है, ये पानी की क्या ही बात है यार, बहुत मजे का पानी है यार, पी सकनी है पीने वाला। वाह वाह ये जी मैं पीता हूँ जी, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। गाड़ी वॉश हो गई मेरी, बड़ी अच्छी शैम्पू से वॉश की है उन्होंने। साढ़े को तो खुला पानी है, तो पाना तो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ये देखिए बिल्कुल साफ हो गई गाड़ी, चलें जी मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट स्टॉप में आगे बढ़ने वगैरह। ठीक है जी, तो व्यूअर्स अभी हम कुल्डाना चौक पहुंच चुके हैं, कुल्डाना ही है ना, कुल्डाना चौक। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, ये मैंने आपको बताया था, ये आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स, ये ट्रक ज़रा गुजरे फिर आपको मैं दिखाता हूँ, आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स। ठीक है जी, ये चौक है वो देखें, ट्रैफिक पुलिस का वो एक बोर्ड सा पड़ा हुआ है, यहाँ से हम लेफ्ट राइट होंगे तो मरी माल रोड की तरफ, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट हो जाएंगे तो वो बोर्ड आपको रास्ते में नजर आ रहा है, अब्दाबाद नथिया गली एक्सप्रेस वे, तो नथिया गली चला जाता है। ठीक है जी, तो अगर कोई भी आउट ऑफ सिटी से कोई आता है मेरा पंजाबी भाई, तो ये देख ले कुल्डाना चौक है, यहाँ से राइट होना है आपने तो मरी की तरफ माल रोड चले जाएंगे कश्मीर पॉइंट, और यहाँ से लेफ्ट होंगे तो आप एबटाबाद नथिया गली हांसपुर यूबिया की तरफ जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये जी हम केपी के पहुंच गए हैं, पीछे गाड़ी आई है इसलिए मुझे गाड़ी चलानी पड़ गई है, अब केपी के अंदर हम एंटर हो रहे हैं, लेकिन वेवेस मौसम बहुत अच्छा गर्म है, उम्मीद की जा सकती है कि ठीक हो जाएगा, गर्मी है लेकिन हवा ठंडी है, हवा ठंडी है, धूप है लेकिन हवा ठंडी है।
बाड़िया शहर से हमने थोड़ी सी शॉपिंग की है। ये जी कौन सा आ गया, स्वार गली। स्वार गली ठीक है जी। ये देखें जी, दिखाएं जरा तुम्हें क्या जी, स्वार गली पहुंच गया। अभी थोड़ी जी व्यूअर्स, ये है जी बाड़िया टूल प्लाजा। बाड़िया टूल प्लाजा ये जी केपी के गवर्नमेंट। ये क्या इन्होंने दिया जी, ये देखें जरा, वार्म वेलकम। ये किसी होटल की वो कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। यार हमने क्या करना है, हमने तो इसको देखना है। ये दिखाएं जी व्यूअर्स का जरा, गवर्नमेंट ना, खान साहब का एरिया है, खान साहब का। इसमें लिखा जी पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी टूल प्लाजा, ये गली हारियां। ठीक है जी, 50 रुपये लिए इन्होंने, कार के 50 रुपये। तो मौसम गर्म तो नहीं है, हवा ठंडी है, मज़ा आ रहा है, बस एंजॉय कर रहे हैं। दे ये जी यूबीए शहर पहुंच गए हैं जी व्यूअर्स। ये जी यूबीए, यूबीए तो खैर पीछे था, ये खानसपुर आए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी सुबह 9 बजे खानसपुर में हम बड़ा इंजॉय कर रहे हैं यार, बड़ा प्यारा मौसम है। सुबह सुबह मुँह हाथ धो के तो मतलब बाहर आके चेयर पे बैठे बड़ा मज़ा आता है, ठंडी ठंडी हवा बिल्कुल लगती है, ये नेचर को देख के मतलब है। ये जी मेरी गाड़ी पीछे दिखाएं जरा, ये उसको गाड़ी ये मैंने ज़ूम करके जिसे व्यूअर्स अभी हम नाश्ता कर रहे हैं खानसपुर में, ऑमलेट अंडा। बाद फिर रस्ते में हम लोग थोड़ा रुकेंगे, पार्क में जाएंगे, खूबसूरत वादियों में, और उसके बाद फिर हम पिंडी की तरफ रवाना होंगे। यहाँ के पराठे बहुत मज़े के हैं, बहुत मज़े के पराठे हैं, यहाँ आते हुए भी खाए थे, पीछे सीन भी बड़े मज़े की है। बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम, चाय आएगी, चाय दिखाएंगे जी, दो जी चाय दो।
ये हमारे दूध की बनाई है जी। ये मेरी चाय का अंकल ले सारी पीनी का दिया और सारे दूध की पीनी का दिया। हम लोग इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। हमारा जो ट्रिप था वो बड़ा मजे का ट्रिप है। तो अभी इस्लामाबाद का मौसम बड़ा मजे का है। ये देखें सामने, ये देखें बहुत मजे का मौसम है, काले बादल हैं। तो मैं रास्ते में बताना चाहता हूँ आपको, मैंने जो ड्राइविंग की सारी बताई आपको, उसमें एक थी, एक वैन थी उसकी, वो थर्ड गियर में आ रहा था। उसकी वजह डिस्क जो होती है ना, वो ब्रेक शूज होते हैं, तो गर्म हो गए, उनमें धुआं निकलना शुरू हो गया। तो वो अंकल थे गुजरांवाला से आए हुए थे, कोई बुकिंग नहीं आएगी। फिर मैंने उनको बताया कि यार आप फर्स्ट या सेकंड में नीचे आए, बहुत ज़्यादा गहराई है। तो वो गहराई में थर्ड में आ रहे थे और बहुत स्पीड से गाड़ी आ रही थी। उन्होंने तो 5-6 दफ़ा सही टाइट ब्रेक लगाई है, और लगाई है तो सारी धुआं निकलना शुरू हो गया। अब मैं उनके पास खड़ा रहा हूँ 5-10 मिनट। मैंने उनको बताया, फिर मैंने कहा सर ऐसे करें आप कि पहले और दूसरे गियर में आए, ठीक है जी। तो व्यूअर्स, मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। तो मिलेंगे नई किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और इस मेरी जो ट्रिप की वीडियो है इसको आप ज़रूर देखें। ट्रिप की वीडियोस थोड़ी बड़ी होती हैं, 18 से 20 मिनट की होती हैं, तो उम्मीद है आप लोग पसंद करेंगे, ठीक है जी। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ और नाश।